Hello everyone, how are you all? I hope you are enjoying now the classes which are being given by us. So today we are going to learn further in the series of how to learn English. तो इससे पहले आपने मेरे दो वीडियोस देखे होंगे, एक मैंने प्रेजेंट सिंपल के लिए आपको बताया था जिसमें रूटीन वर्क सारी चीज़ें कवर हो जाती है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बी फॉर्म बताया था कैसे बी फॉर्म यूज़ किया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं वो आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए, टू राइट, टू स्पीक, टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बिल्ड अप योर वोकैब। एवरी क्लास आई से वोकैबुलरी पावर इज टू बी बिल्ट अप, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड। मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया भी था कि कैसे अगर फॉर्मेशन आती भी है और अगर हम वोकैब नहीं जानते हैं तो उस सेंटेंस का अर्थ हम समझ नहीं सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर वोकैब पे ही आके सारी चीज़ें फोकस हो जाती है। तो आज एक कदम और आगे उससे, और आज प्रेजेंट में कंटिन्यूटी लानी है कि लगातार चीज़ें जो चल रही हुई है हमारे आसपास में उसको कैसे नरेट किया जाए, उसको कैसे बोला जाए, कैसे समझा जाए। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, चीज़ें कंटिन्यूटी में चल रही है, एवरीथिंग इज कंटिन्यूअस, आप सुन रहे हो कंटिन्यूअस में चल रही है। तो ऐसी चीज़ों को लिखने, बोलने, समझने के लिए हम कौन सी फॉर्मेशन यूज़ करें? तो जैसा पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि बी फॉर्म जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसी बी फॉर्म को ही आगे बढ़ाना है। बी फॉर्म भी आपके एग्जिस्टेंस देती है प्रेजेंट की, जो चीज़ें आपके आसपास विद्यमान है, कंटिन्यूटी नहीं दिखाई देती उसके अंदर। अब कंटिन्यूटी लाने के लिए उसमें रहा जोड़ना है। तो हिंदी के हिसाब से जैसे मैं बोलूं कि वह बॉम्बे में है, ये आप बी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ इन मुंबई। वो जयपुर में है, ही इज़ इन जयपुर। लेकिन अब मुझे इसको कंटिन्यूटी में दिखाना है कि वो जयपुर में रह रहा है, तो क्या फ़र्क आ गया रह रहा और है? तो रहने के लिए अपने वर्ब चाहिए, रहा के लिए उस वर्ब को कंटिन्यूटी में दिखाने के लिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, और बी की फॉर्म है इसलिए लाना ही पड़ेगा। तो देखा जाए तो मैथमेटिकल टाइप कैलकुलेशन है फॉर्मेशंस बनाने में भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जीवन में जो चीज़ें कंटिन्यूटी में चल रही होती है उन सब चीज़ों को हमें शो करने के लिए इसी फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, उसके लिए एडवर्ब्स की जरूरत पड़ती है और वो एडवर्ब्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो मैंने लिख के रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कैसे फॉर्म हो रहा है पहले वो देखते हैं। बहुत ही ईजी है फॉर्मिंग, आप देखेंगे कि मैंने वापस लिखा है बी फॉर्म, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने बी फॉर्म को, और ट्रांसफॉर्म मैंने प्रेजेंट के लिए किया है क्योंकि प्रेजेंट का है, सो इज़ आर एम आ गया। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इज़ आर एम से अर्थ क्या निकलता है, हे निकलता है, निकल गया। अगर मैं सिर्फ इतना ही यूज़ करता हूँ तो ये बी फॉर्म है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, जैसे ही इज़ आर एम देखते हैं और अगर आपने पूछ लिया है व्हाट टेंस इट इज़, सीधा बोल देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये देखे बिना कि आगे इसके है क्या। अगर कंटिन्यूअस है तो आई एन जी फॉर्म होना ही होना है, दैट इज़ कंपल्सरी। तो अब मैं इसको आई एन जी फॉर्म जोड़ के और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहा हूँ। अभी तक तो प्रेजेंट की फॉर्म थी, अब इसको कंटिन्यूअस बना रहा हूँ। आप देखो मैथमेटिकल वे में ही बन रहा है, टू शो कंटिन्यूटी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी चाहिए। अब इससे हिंदी निकलती रहा और ये है, अब ये रहा है हो गया जो जनरल हिंदी में आ जाती है। अब एज पर द नंबर और जेंडर, मेल फीमेल और प्लूरल सिंगुलर के हिसाब से रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसी हिंदी निकलने की संभावना होती है और निकलती भी है। तो ये तो फॉर्मेशन तैयार ही हो गई यहाँ पे। अब मैंने आपको जैसे बोला ही इज़ इन जयपुर, इज बी फॉर्म, बट इफ आई से ही इज़ लिविंग इन जयपुर, इट्स ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको एडवर्ब दे देते हैं, उस एडवर्ब को आइडेंटिफाई करके इस फॉर्मेशन के वर्ब को भरना पड़ता है, वो भी मैं अभी करके बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी आपने प्रेजेंट सिंपल भी सीख लिया, बी फॉर्म भी सीख लिया, तो कुछ ब्लैंक्स भी करके बताऊंगा आज, तो आपको थोड़ा और भी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। अब एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए, एट दिस टाइम, मतलब अभी जो चल रहा है, राइट नाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एट दिस मोमेंट सेम थिंग, जो चल रहा है दैट इज द मोमेंट, एट प्रेजेंट सेम थिंग, बस लिखने का तरीका अलग हो गया, प्रेजेंटली इट्स ऑल सेम,
नाउ अभी जो चल रहा है, नाउ डेज इन दिनों, दीज डेज इन दिनों, इन दिनों क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सारे इंडिकेट करते हैं कि अगर ये चीज़ें कहीं दिखाई दे रही है तो वी हैव टू गो विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वो आपको अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। कुछ एक वर्ब है जो विद द एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मीन्स सडन बर्स्ट, रुको मीन्स वेट, तो उसके बाद क्या बोलने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ या वे आ रहे हैं, कुछ कंटिन्यूस में जाएगा। अगर मैं कहता हूँ किसी को लुक देखो, तो देखने के लिए बोलूंगा तो जो भी सामने उसकी चीजें चल रही होगी वो उसको दिखाई दे रही होगी, और वो देखो वो आ रहे हैं, ऐसा ऐसा तो कभी कह नहीं सकता देखो वो आ रहे थे, तब तो कुछ हो गई नहीं बात। लिसन सुनो, वो गा रहा है, वो गा रही वगैरह वगैरह, मीन्स प्रेजेंट को ही और कंटिन्यूस में जो चीज चल रही है उसको ही इंडिकेट करने के लिए। हरी अप, देर हो रही है, तो ऐसी चीजें आपको ये बता देगी कि ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की इसमें जरूरत है। अब ये देखिए आपने, हम मैंने फॉर्मेशन पहले ही तैयार कर रखी है, ये इज आर एम और आई एन जी को जोड़कर, और जो भी चीजें हमें अंग्रेजी में लिखनी है वो सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। अब आई किसके साथ आता है, सॉरी एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है, ईच किसके साथ आता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया है, फिर भी वर्बली मैं बता देता हूँ। आई एम ही सी इट, उनके लिए इज आ जाएगा, एंड यू वी दे एंड नॉन प्लूरल केसेस हो गए, उनके लिए आर आ जाएगा। उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब था जब हम लोग बी फॉर्म यूज कर रहे थे, अब ये हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट हो गया, ये धक्का दे रहा है आई एन जी को और आगे, ये मेन वर्ब में कन्वर्ट हो गया, तो यही हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसीलिए सिर्फ इज आर एम देख के यू कैन नॉट डिसाइड दैट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन इज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू हैव टू सी थॉरली वेदर एनीथिंग इज देयर आफ्टर इज आर एम, इफ नथिंग इज देयर देन इट विल बी इन बी फॉर्म, और अगर इसके आगे आई एन जी फॉर्म है तो नेचुरली इस कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें लिख के देखते हैं और मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, तो आप देखिए और बार बार वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करें, कुछ वर्कअप्स तैयार करते रहें। आई होप इतना कठिन नहीं है जितना हम लोगों ने इसके बारे में सोच रखा है कि अंग्रेजी बहुत ही कठिन लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको डिफेंस बोल के बताया था, अब मैं ऐसे बता देता हूँ, ही इज इन जयपुर। अगर ये फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो फॉर्मेशन है ये बी फॉर्म है, ये बी फॉर्म मानी जाएगी और प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी में इसको मान सकते हैं। बट सपोज आई से ही इज लिविंग इन जयपुर, तो ये जो केस बन गया, ये केस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो देखो आप कितना फर्क है। अब एग्जाम में क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, मान लो ऐसा दिया है ही बी इन जयपुर नाउ। अब ये जो नाउ है ये रिलेट कर रहा है कि प्रेजेंट की चीज है, और मैं भरने के लिए सिर्फ बी फॉर्म दिया है, तो अब इसको मैं सिर्फ इज ही भर सकता हूं, इसके अलावा अगर मैंने कुछ भी भरा तो ये गलत है। लेकिन इसको इस प्रकार से अगर दिया हुआ है, वर्ब दे दिया है लिव इन जयपुर नाउ, एडवर्ब सेम है प्रेजेंट का ही है, लेकिन अब मुझे पता है कि इसको मैं को कंटिन्यूटी में दिखाना पड़ेगा, आई हैव टू शो इन कंटिन्यूटी, इसलिए मैं क्या करूंगा, इज को हेल्पिंग वर्ब लूंगा और इसको आई एन जी फॉर्म से जोड़ूंगा, और ई हटा के ही आई एन जी लगती है, तो ये बन गया ही इज लिविंग इन जयपुर। और फर्क है हिंदी में भी, वह जयपुर में है और वह जयपुर में रह रहा है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, एक दो और वाक्य मैं आपको बना के बताता हूँ, और उसके बाद में फिर हम अगली क्लास में इससे और आगे सीखेंगे, तो और मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सो प्लीज लुक हियर नाउ, नाउ सपोज आई से ऐसा एक वाक्य एग्जाम में आ गया, लिसन यहाँ देखते ही जैसे पता लग जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करने के लिए पूछा जा रहा है। सो सिंपली सी के साथ इज एंड आई एन जी, सी सिंगिंग, वो गा रही। सो आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट कंटिन्यूअस बी फॉर्म रिलेशन, हाउ बी फॉर्म एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोथ लुक्स टुगेदर।
same thing, but it's not same. Present continuous is totally different, be form is totally different, present simple with the main verb is totally different. So in the series of how to learn English, we have learned three formation. Again, I am reminding you, before I close this class, before I end this class, first form we have to use for habitual action, for daily routine, etc. Use, and the differentiation you must know, SES, where to put, where not to put. Secondly, we have seen be form in present, ERM, how to use ERM, for what we have to use, for the number, for the status, for anything which you feel like to show in present, be form will be using. And now if anything you want to show in continuity, you have to use be form plus ing form. You can show anything in continuity, and in examination purpose also this will be helpful. One more fill up before I end up, I want to show you. Suppose see, same verb is given, sing, and now I am changing the adverb. Now adverb is regularly. This adverb regularly, it will show present simple, already you know that. So now in present simple, if you have to fill up, it will go sings. So likewise, I have tried to make the differentiation between present simple, be form and present continuous. I hope it is all clear to you. Thank you for the day. Keep watching our video, like our video, subscribe our video. Thank you very much. See you in the next class.